तो दोस्तों 12 वोल्ट की बैटरी बनाने के लिए सबसे पहले आपको तीन इस प्रकार के लिथियम आयन सेल चाहिए होंगे। ये मैंने पुराने लैपटॉप के बैटरी से जो है निकाल लिए हैं, 80 रुपीज़ का परचेज किया था। उसके बाद आपको एक BMS चाहिए, ये 20 एम्पियर का BMS है। नेक्स्ट इस BMS में हम इस प्रकार का थर्मिस्टर भी अटैच कर सकते हैं, तो इसको आप पुराने BMS से निकाल सकते हैं। इस प्रकार के थर्मिस्टर है, टेम्परेचर रजिस्टर बोलते हैं इसको, थर्मिस्टर, तो ये टेम्परेचर प्रोटेक्शन देगा इन सेल्स को। नाउ दोस्तों हम इन सेल्स की जो है सोल्डरिंग करने वाले हैं। तो सोल्डरिंग करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इसमें क्या करना है, आपको जो बीच वाला मीडियल वाला सेल है सिर्फ उसके जो टर्मिनल है उनको अपोजिट रख लेना है। तो क्या करना है, इसका नेगेटिव जो है इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देना है दूसरी बैटरी के साथ, और जो दूसरी बैटरी का जो पॉजिटिव है उसको तीसरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारे पास जो टर्मिनल हैं वो बच जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इस प्रकार से हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी तैयार हो जाएगी। उसके बाद जो हमें BMS की वायरिंग करनी है, तो सबसे पहले हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। और सोल्डरिंग करने से पहले एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों बैटरी का जो वोल्टेज लेवल है वो सेम होना चाहिए, नहीं तो इस BMS में जो बैलेंस फीचर होता है जो तीनों सेल्स को इंडिविजुअली चार्ज करता है तो वो एक्टिवेट नहीं होता है। तो इसलिए जो है वोल्टेज एंड पे किसी भी प्रकार का वोल्टेज जो है शो नहीं करेगा, तो इसलिए तीनों का वोल्टेज जो है वो सेम रहना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अभी मैंने जो है सोल्डरिंग कर ली है, तो इस प्रकार से हमारा जो बैटरी पैक है वो रेडी हो चुका है। तो ये बैटरी नंबर 1 है, ये बैटरी नंबर 2 है, बैटरी नंबर 3 है। तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये बैटरी 1 है, मतलब यहाँ पर 4 वोल्ट हमको मिलता है, इस यहाँ पर हमको 4 वोल्ट मिलता है। तो इसमें हमको BMS में वायर अटैच करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने मार्किंग बनाई है। और यहाँ पर हमको जो है बैटरी टू है, यहाँ पर हमको 8 वोल्ट मिलता है। ये हमारा बैटरी 3 का जो है पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है बैटरी 3 पे, और बैटरी 1 पे जो नेगेटिव टर्मिनल स्पेयर में रहता है वो नेगेटिव टर्मिनल हो जाता है हमारा। तो यहाँ पर 0 वोल्ट मिलता है और यहाँ पर 12 वोल्ट मिलता है। तो इस प्रकार से हमारी जो है वायरिंग हो जाती है। इसी प्रकार से BMS में भी इसी प्रकार की जो है मार्किंग है। बैटरी 1 पे हम बैटरी 1 से वायर जो है अटैच कर देंगे, बैटरी 2 पे जो है यहाँ पर बैटरी 2 लिखा है तो बैटरी 2 की वायर अटैच कर देंगे ये वाली, और यहाँ पर बैटरी नेगेटिव है तो बैटरी नेगेटिव ये हो गया, और यहाँ पर बैटरी पॉजिटिव है तो बैटरी पॉजिटिव ये हो गया। तो इस प्रकार से हमारी जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, और यहाँ पर हमको आउटपुट मिल जाएगा, पावर पॉजिटिव पावर नेगेटिव यहाँ से आउटपुट भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ जब हमें चार्ज करना होगा तो इसकी मदद से हम चार्ज भी कर पाएंगे बैटरी को। तो जल्दी से मैं इस BMS की वायर को भी अटैच कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो BMS की वायरिंग है वो भी कम्प्लीट हो चुकी है, और यहाँ पर मैंने एक थर्मिस्टर यहाँ पर अटैच कर लिया है जहाँ पर टी पॉइंट होता है। अब इसको किसी भी बैटरी में जो है इस प्रकार से इसकी बॉडी से टच कर लेंगे, इसको मैं जो है थोड़ा सा टेप से अटैच कर लूँगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ कितना ये वोल्टेज शो कर रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 11.9 वोल्ट ये शो कर रहा है, तो 0.1 वोल्ट कम है क्योंकि जो बैटरीज थी वो फुली चार्ज नहीं थी। एक बार हम इसको फुली चार्ज करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 12.3 से लेके 12.4 तक की जो वोल्टेज है वो शो करेगा। तो इसके बाद यहाँ पर हम जो है ये XT60 कनेक्टर जो है इसके साथ कनेक्ट करेंगे आउटपुट लेने के लिए एज वेल एज चार्ज करने के लिए भी। तो इस प्रकार का XT60 कनेक्टर है, तो इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर लूँगा और इससे हम आउटपुट ले सकते हैं और इसी की मदद से हम इसे चार्ज भी करेंगे। तो मैंने ये XT60 कनेक्टर इसके साथ जो है अटैच कर लिया है इस प्रकार से, और इसके साथ पूरी तरीके से जो कैप्टन टेप आता है उससे रैप कर लिया है ताकि इसमें वाटर गिरने से कोई डैमेज ना आए। तो इस प्रकार से हमारी बैटरी तैयार हो गई है। मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप इसे चार्ज भी कर सकते हैं घर पर अडेप्टर से नॉर्मल। तो फ्रेंड्स मैंने ये जो बैटरी है स्पेशली इस जो हमारी 12 वोल्ट की मोटर आती है पंप आता है उसके लिए डायफ्रेगम पंप उसके लिए बनाया है। तो जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये ऑन हो जाता है, तो इसको ये काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल बना देता है, कहीं भी मैं यदि वॉशिंग करना चाहूँ अपनी स्कूटी की तो इजीली वॉश कर सकता हूँ। तो नाउ आपको दिखाता हूँ कि आप इसको किस प्रकार से चार्ज कर सकते हैं इस बैटरी को। तो इसको चार्ज करने के लिए मैंने इस प्रकार का जो है 12 वोल्ट का अडैप्टर लिया है, ये 1 एम्पियर का अडैप्टर है। इसके साथ मैंने एक वोल्ट मीटर एमीटर जो है अटैच कर लिया है, ये एमीटर ये शो करता है कि ये बैटरी पैक जो है चार्जिंग के दौरान कितना करंट विड्रॉ कर रहा है, और साथ ही ये वोल्टेज भी शो करता है इस बैटरी पैक की। तो ये मैंने XT60 कनेक्टर लिया है, इसके साथ इसको कनेक्ट कर लूँगा।
और ये अभी इसका वोल्टेज शो करने लग गया है कि इस बैटरी में कितना वोल्टेज है। अभी ये चार्ज नहीं हो रहा है तो इसलिए 0 एम्पियर दिखा रहा है, कोई भी करंट विड्रॉ नहीं कर रहा है ना। हम इसको ऑन करेंगे तो देखेंगे कि चार्जिंग के दौरान ही कितना जो है करंट विड्रॉ कर रहा है, 0.27 एम्पियर ही विड्रॉ कर रहा है चार्ज करते समय, क्योंकि अभी बैटरी पैक ऑलमोस्ट फुली चार्ज है तो कम करंट विड्रॉ कर रहा है। मान लीजिए बैटरी पैक का जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट पहुँच जाता है तो उस समय ये 1.25 एम्पियर तक जो है करंट विड्रॉ करने लगता है, ज़्यादा करंट विड्रॉ करने लगता है। और जैसे ही ये बैटरी फुल चार्ज होने लगती है ऑलमोस्ट, तो ये करंट कम होते जाता है, ऑलमोस्ट 0 पहुंच जाता है, तो उस समय आपको पता चल जाएगा कि आपका बैटरी पैक जो है फुली चार्ज हो गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून, धन्यवाद।